Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, इस lesson के अंदर मैं आपको map के अंदर stairs बनाने का method बताने जा रहा हूं। तो आइए dear students start करते हैं अपना lesson। तो मैंने अपने पास AutoCAD की already file open की हुई है, आप भी अपने पास open कर लें। ये फाइल है यानी कि जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम करते हुए आ रहे हैं। देखिए लेयर्स मैंने इसीलिए बनाई थी, स्टेप बाय स्टेप्स में हर एक लेयर्स को ऑन कर सकता हूं और मैं इसको ऑफ कर सकता हूं। तो देखें यहां पर ये तमाम लेयर्स अब ऑन हो चुकी है और जब आप किसी भी चीज को इधर से ऑफ करते जाएंगे वो आपके पास ऑफ होती जाएगी। जो आपको लेयर चाहिए उसको आप ओपन करें, बाकी सारी की सारी आपके पास से निकल कर आ गई। ये देखें ये आपके पास निकल कर आ चुकी है ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ये, क्योंकि आपके पास जो भी प्लान या मैप्स बना होता है उसका डेफिनेटली आपके पास आपका स्टेयर आपके पास होगी, स्टाइल आपके पास मौजूद होगा। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर ये मेरे पास स्टाइल मेरा मौजूद है, अब इस स्टाइल के मुताबिक मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपने पास अपनी स्टेयर्स को बनानी है। ये नहीं कि आपके मैप में जो भी आपने अपने लिए स्टाइल कन्फर्म किया था। अब बहुत ही इसका आसान तरीकेकार है, बहुत ही आसान मेथड है। वो मेथड क्या है, तरीका क्या है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेसन। उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है मेरे पास, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री का यूज करेंगे, बी ओ। और बाउंड्री से पहले अपने पास एक और लेयर्स बना लें। डियर स्टूडेंट्स लेयर के लिए इधर क्लिक करें, अदरवाइज एल ए अपने कीबोर्ड से एंटर करें और यहाँ पर आकर आप इसको स्टेप्स का नाम दे दें, स्टेयर्स का नाम दे दें, ओके कर दें इसे और जस्ट आप इधर आ जाएं और इसी स्टेप्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें और बी ओ एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से बाउंड्री के लिए। पिक पे चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी आपके पास बनते हैं उसके ऊपर आप दे दें, एंटर कर दें, कंट्रोल एस कर दें। तो अब ये तमाम ब्लॉक्स आपके पास बन चुके हैं। अब आप इसको ext कर दें अपने कीबोर्ड से, अदरवाइज आप ड्रॉ के अंदर जाएं, सॉलिड के अंदर एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक कर दें, इसकी शॉर्टकट है ext। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये जो अंदर वाले हैं जो ऑब्जेक्ट्स मैंने अभी अभी बाउंड्रीज की हैं, इन तमाम को आप सिलेक्शन दे दें, यानी कि हर एक को आप सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे मैंने तमाम को सिलेक्ट कर दिया है, एंटर कर दें और 7 इंच की आप इसे हाइट दे दें, कंट्रोल एस कर दें, अंदर यहां पर आ जाए और मूव की ऑप्शन लगाए एम, मूव कर दें इसे। अब एक को पिक करें, एंटर, इसको उठाकर इसके ऊपर ले आए, दूसरे को एंटर करें, यहां से इसको उठाकर इसके ऊपर ले आए, तीसरे को एंटर करें, यहां से उठाकर इसके इधर उसके ऊपर लें। देखें अगर आपको इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, इधर आ जाएं यहां पे, क्योंकि 7 इंच की हाइट होती है, मैंने आपको एलिवेशन के अंदर चीजें समझाई थी। तो बेसिकली 3D भी एलिवेशन ही है, एलिवेशन को दूसरी यानी कि एक फॉर्म जो होती है मैप की वो एलिवेशन है और यह समझ लें जिसकी थर्ड फॉर्म है वो आपके पास 3D आ जाता है। तो एक एक को मूव करें, इसके ऊपर क्लिक करते जाएं। देखिए मूव एम एंटर करें कीबोर्ड से, सिलेक्ट राइट क्लिक, पॉइंट दे दें और इधर ऊपर आ जाए, फिर इधर आ जाए, यहाँ पर पॉइंट दे दें, फिर इधर ऊपर आ जाए, फिर यहाँ पर इधर आ जाए, पॉइंट दे दें और इसको सीधा इसके ऊपर लेकर आ जाए, फिर इधर आ जाए, पॉइंट दे दें इसे, यहाँ पे सीधा इसके ऊपर आ जाए, पॉइंट दे दें इसे यहाँ से इसे और सीधा इसके ऊपर आ जाए, फिर इसे मूव का पॉइंट दे दें यहाँ पे इसे, फिर उसको सीधा इसके ऊपर लेकर आ जाए, फिर मूव के ऊपर आ जाए, फिर इसको मैं सीधा इसके ऊपर उठा के लेता हूँ। देखें और जैसी आपकी शेप होगी 2D वैसा आपका काम होगा। अब देखें जस्ट आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। अगेन मैंने इसको मूव किया, इस पॉइंट से मैंने इसको पिक किया और अगेन मैं इसको इस पॉइंट तक लेकर आ जाता हूँ, मजीद इस पॉइंट से मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैं इस पॉइंट तक लेकर आ जाता हूँ और वापस आप इधर आ जाएं, यहाँ पे मैंने इसको इस पॉइंट से पिक किया है और अगेन मैं इसको इस पॉइंट पे लेकर आ जाता हूँ, कंट्रोल एस मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपने पास अपनी लेयर्स के अंदर जाएं और फ्लोर वाली लेयर्स को, जस्ट रूफ वाली सॉरी लेयर्स को ओपन करें। मैंने इसको ओपन किया तो देखें आपके पास ये इधर कहीं आपको वो लेयर्स लाइन वगैरह की मजीद नजर नहीं आ रही है, यानी कि आपको एक दूसरी और ऊपर स्टेप्स बनानी होगी। अब वो हम कैसे बनाएंगे, अगेन आप इस व्यू में आ जाएं, फिर भी ठीक है, आप यहाँ पे ही इसके आगे से कॉपी कर लें, ये आखिर वाले को आप ये पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट आपका ये रहा। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स हो रहा क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम ये आपके पास यहाँ पे परफेक्ट नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन यूज की जाएगी ए लाइन की।
अभी मैं आपको ए लाइन का जस्ट यूज बताता हूँ, और नेक्स्ट लेसन में इससे एक दो लेस लेसन के बाद मैं आपको उसको डिटेल बताऊंगा ए लाइन यूज कैसे की जाती है। ए लाइन का मकसद क्या है, अब आपके पास ये टेढ़ा है, जैसे मैंने उसको इसके ऊपर लगाया आप देखिए तो आगे की तरफ निकल रहा है, या तो मुझे स्टेयर्स का डिजाइन दोबारा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या करें ए एल या मॉडिफाइड के अंदर चले जाए सॉलिड रूटिंग, और क्या है आपके पास ए लाइन, सॉरी 3D ऑपरेशन, और आपके पास क्या है ए लाइन ए एल, इसकी शॉर्टकट है, इसके ऊपर क्लिक करें, सिलेक्शन दें और एंटर कर दें। आप इसको एक पॉइंट ये दे दें नीचे वाला, इसको उठाकर इसके ऊपर ले आए, ये पॉइंट इधर से उठाएं और यहां से इसको उठाकर इसके ऊपर ले जाएं ये, और इसको आप डबल स्पेस लगा दें। ठीक है, अब आपके पास देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब थोड़ा सा इसे मूव कर दें आगे की तरफ, यहां से आगे की तरफ आ जाएगा तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप इधर आए तो देखिए आपके पास इधर ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है निकला हुआ, ये नहीं कि आपके पास आपकी शेप यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आ गई, लेकिन मसला क्या है इसके बीच में मुझको गैप क्रिएट करना है। अब जब तक मेरे पास गैप नहीं बनेगा मेरा काम ठीक तरह से नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले तो क्या करें, आप यहाँ पे 1 फिट्स का एक और ये बना डालें, ठीक है, जो मैंने ऊपर एक्स्ट्रा स्टेयर्स बनाई है, आप इसको और इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ आप फिलेट कर दें। ठीक है, मैंने इसको इसके साथ फिलेट कर दिया है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं अपनी आर्क को, जो हमारे पास ये आर्क एंड तक जा रही थी, ये तमाम लाइनें कॉपी करके आप बाहर आ जाए, और याद रखिएगा हर जगह पे स्टेज का अपना मेथड होता है, यहां पे मैं जो आपको जस्ट इसके मुताबिक बता रहा हूं, और नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा स्टेज कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये ड्यू शेप बना दें, बाउंड्री लगा दें इसके अंदर, नहीं रहा, अब ये इसलिए नहीं हो रहा कहीं ना कहीं से एक दूसरे पॉइंट से एक दूसरे के ये मिक्सअप हो रहे हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ वापस एक लाइन मैंने उठा ली, यहाँ से एक पॉइंट दे देता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं इधर ऊपर लगा देता हूँ, और मैं इसको रीजाइन या बाउंड्री, ठीक है, अब आप इसको EXT कर दें और कुछ 20 फिट तक ऊपर हाइट इसकी ले जाएं, मैं इसकी 20 फिट हाइट ऊपर ले गया। अगेन आप इसको मूव कर दें एक कॉर्नर से यहां से, और इधर तक आ जाए, ये है। ठीक है, अब इसको ये देखते हैं, देखिए आपके पास ये कट आ गया। अब एस यू सब्ट्रैक्ट, ये है स्पेस, ये है ये स्पेस लगा दें, देखा आपने मेरे पास तमाम शूटिंग अधूरी रही, मेरे पास ये कट्स बना हुआ आ चुका है यहाँ पे, देखें ये, ठीक है, सब्ट्रैक्ट की मैंने आपको ऑप्शन बताई, देखें डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास बिल्कुल आपकी परफेक्ट स्टेज बनी हुई आ चुकी है यहाँ, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ये देखें, फिर इधर आ जाए, फिर देखें एस यू सब्ट्रैक्ट, इधर क्लिक करें एंटर, इसको क्लिक करें एंटर, तो देखें आपके पास ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट स्टेज बनी हुई आ चुकी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको मैप की पर काम करके नहीं बल्कि एक अलग से एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेज से कितने डिजाइन होते हैं, या कॉमन कॉमन जो चीजें हैं वो मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा, मुख्तलिफ कोशिश करूंगा जितने ज्यादा मैं आपको पॉइंट्स बता सकूं। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं, NMAC टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिए TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस कोर्स की मुकम्मल DVDs हासिल करना चाहते हैं या हमारी मैप कलेक्शंस हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या हमारे स्काइप पे हमसे आप बात कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, हमारा स्काइप का ID है xpacademy, और हमारी हेल्पलाइन नंबर है 03439017779। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपसे इजाजत चाहूंगा, अस्सलामु अलैकुम।